क्लास में हमने कवर किया था क्लास साइकेडोफिलिकल्स, उसके बाद में साइकेडियोडेसी। फिर आज देखते हैं नई क्लास कौन सी है, साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में एक ऑर्डर है साइकेडेल्स, इसके अंदर एक फैमिली आएगी साइकेडेसी। तो इसके जो अंदर जो मेंबर आएंगे प्लांट मेंबर, उसके अंदर कौन कौन से जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर पाए जाते हैं वो देख लेते हैं। उसके बाद में हम देख लेंगे पर्टिकुलर जो मेंबर आएगा साइकस को। तो देखो जो मेंबर होते हैं इसको साइकेडेल्स जो ऑर्डर में जो प्लांट मेंबर आते हैं उनको हम साइकेड्स बोलते हैं। साइकेड्स और इनका जो ओरिजिन हुआ था, यानी कि इससे पहले वाले प्लांट से हुआ होगा, यानी टेरिडोफाइट थे, जिम्नोस्पर्म से पहले वाले जो प्लांट थे वो टेरिडोफाइट थे। तो इनका जो ओरिजिन हुआ सीड फर्न से हुआ है। टेरिडोफाइट जो है, टेरिडोफाइटा में सीड नहीं बनते। और कुछ प्लांट ऐसे थे जो फॉसिल्स हो गए थे, उनके अंदर सीड बनते थे और वो टेरिडोफाइट प्लांट थे, जिसको हमने लास्ट वाले क्लास में कवर किया था, साइकेडोफिलिकल्स और साइकेडियोडेसी जो फैमिली क्लास थी उसके अंदर जो पढ़े थे, वो सभी जो प्लांट थे वो सीड बनते थे, उसके अंदर वो फॉसिल्स हैं। तो इनका जो ओरिजिन हुआ है वो सीड फर्न से हुआ है। डोमिनेंट कौन से पीरियड के अंदर थे ये? तो जो मीजोजोइक एरा आता है, मीजोजोइक जो एरा है उसके अंदर ट्राइएसिक पीरियड आता है। उस ट्राइएसिक पीरियड के अंदर ये जो प्लांट मेंबर थे साइकेड्स, इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था, डोमिनेंट थे ये। तो इस एज को अपन को इनको इस पीरियड को अपन क्या बोल देते हैं, एज ऑफ साइकेड्स। यानी कि इस वाले पीरियड के अंदर जो साइकेड्स प्लांट मेंबर थे इनका नंबर बहुत ही ज़्यादा था। फिर आते हैं मोस्टली जो प्लांट होते हैं वुडी होते हैं, ये ट्रीज वुड का इसमें होगी, ट्री प्लांट होंगे तभी उनके अंदर क्या होगी, वुड होगी। एक्सेप्शन है एक प्लांट जेमिया, ये वुडी प्लांट नहीं है। फिर देखिए स्टेम जो होता है मोस्टली अनब्रांच्ड रहता है और इसके ऊपर जो लीव्स होंगी अनब्रांच्ड है, तो जो लीव्स होती है वो अपेक्स के ऊपर रहती हैं और पिन्नेटली कंपाउंड टाइप की रहती हैं, ये एग्रीगेट हो जाती है स्टेम के टिप के ऊपर। फिर देखिए जो वुड होती है, वुड जो होती है मेनोजाइलिक वुड होती है। मैंने इसे फर्स्ट जो क्लास थी उसमें बताया था मेनोजाइलिक वुड क्या होती है, पिक्नोजाइलिक जो वुड होती है वो क्या होती है। फिर देखिए माइक्रो स्पोरोफिल होती है और मेगा स्पोरोफिल रहती हैं। तो माइक्रो स्पोरोफिल जो होती हैं वो आगे चलकर बना लेती हैं मेल स्ट्रोबिली या मेल कोन, और जो फीमेल ये मेगा स्पोरोफिल जो होती हैं वो बना लेती हैं फीमेल कोन या फीमेल स्ट्रोबिली। तो एक प्लांट मेंबर अपन देखेंगे साइकस जो होता है, तो साइकस के अंदर फीमेल कोन जो है वो नहीं बनता। तो जो फीमेल कोन है साइकस के अंदर डोंट फॉर्म फीमेल कोन, यानी कि मेनली क्या प्रेजेंट होगी, मेगा स्पोरोफिल ही प्रेजेंट रहेगी उसके अंदर, वो आगे चल करके फीमेल कोन का फॉर्मेशन नहीं करेंगी। फिर देखिए जो मेल जो गैमिट बनेंगे वो मोटाइल टाइप के होंगे, और जो पोलिनेशन होगा पोलिनेशन किस टाइप का होगा, किसके द्वारा होगा, विंड यानी हवा के द्वारा होगा। फर्टिलाइजेशन देखें तो साइफनोगैमस टाइप का होगा, और जो पोलन ट्यूब बनेंगे इनके अंदर साइकेड्स जो प्लांट हैं इनके अंदर, तो जो पोलन ट्यूब होगी वो काम करेगी होस्टोरियम का, ठीक है। अब हम देखते हैं साइकस प्लांट जो है उसके बारे में कि साइकस जो प्लांट है उसकी काफ़ी सारी स्पीसीज पाई जाती हैं। अब इसके अगर एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी की अगर बात करें तो ये जो प्लांट है एवरग्रीन होता है, पाम लाइक है, स्मॉल ट्री है, और जो कहाँ पे पाया जाता है जो जीरोफाइटिक प्लांट हैबिटाट होते हैं ना, जीरोफाइटिक प्लांट जहाँ पर पाए जाते हैं उस एरिया के अंदर ये प्लांट पाया जाता है। स्पोरोफिटिक प्लांट है, और जो स्पोरोफिटिक जो प्लांट बॉडी है वो स्टेम रूट और लीव्स इनमें भी डिवाइडेड रहती है। अगर इसके रूट को देखें तो जो रूट होती है वो दो टाइप की होती हैं, एक होती है नॉर्मल टैप रूट होती हैं, एक होती हैं कोरिलॉइड रूट। तो जो ये नॉर्मल टैप जो रूट होती हैं ये प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट है। तो ये प्राइमरी जो रूट होती है वो थिक होती है और शॉर्ट होती है। उसके बाद में इससे प्राइमरी रूट से क्या होगा कि लेटरल साइड में कुछ रूट और निकलेंगे, जिनको अपन क्या बोलते हैं सेकेंडरी रूट या एडवांटिटीज रूट। तो उनमें क्या होता है कि वो जो रूट होती हैं वो थिन होती हैं और लॉन्ग होती हैं। ये हो गया टैप रूट, प्राइमरी जो नॉर्मल टैप रूट होती है उसके बारे में। इसका जो मेन फंक्शन होता है वो वाटर हो गया और जो मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन होते हैं उनको एब्जॉर्ब करने का काम करती हैं। फिर देखें कोरिलॉइड रूट, जो कोरिलॉइड रूट होती हैं ये जो सरफेस होती है सोइल की सरफेस के ऊपर ये ग्रो करेंगी,
और इनके अंदर क्या होता है, इनका जो कोर्टेक्स एरिया होता है, उस कोर्टेक्स वाले एरिया के अंदर कुछ एल्गी जो होते हैं उन वो इनके अंदर प्रेजेंट रहते हैं कोरिडोइड रूट के अंदर, कोर्टेक्स एरिया के अंदर। तो इस टाइप की जो एल्गी होती है उसको अगर हम बोलते हैं एंडोफिटिक एल्गी। एंडोफिटिक एल्गल जोन पाया जाता है। एल्गी कौन कौन सी हैं वो देखो, नोस्टोक है, एनाबीना है और अदर ब्लू ग्रीन एल्गी जो होते हैं वो भी प्रेजेंट रह सकती हैं। तो क्या होगा कि ये जो ब्लू ग्रीन एल्गी, एनाबीना, नोस्टोक जो एल्गी है, ये क्या काम करती हैं, नाइट्रोजन का फिक्सेशन। इनका पर्टिकुलर जो फंक्शन है वो तो अपने को याद नहीं है, बट ऐसे बोल दें कि जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करती हैं ये एल्गी। फिर देखिए जो कोरलर जो रूट होती है इसके अंदर लेंटिकल पाए जाते हैं जो रेस्पायरेशन का काम करते हैं, ठीक है।